हम आगे क्या आगे क्या करेंगे? आगे हमारा जो एकदम डायरेक्टली रिलेवेंट टॉपिक है हमारे आसाम टेट की रिगार्डिंग में, उसमें हम जाएंगे प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। तो ये एक चीज़ है, लैंग्वेज फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आप पूरी बात आ जाती है लैंग्वेज की। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैंग्वेज, इट्स अ वास्ट थिंग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू कंक्लूड इट इन विद इन एन आवर और टू आवर फॉर द फॉर्मल इन द फॉर्मल क्लासेस। सो it's a tough, it's a comparatively tougher thing. Everybody has a different ideas, different explanation regarding the language dissimilarities in this. So ये एक problem है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा conclude करके एक minimal time पे ले आएंगे। मैं भी अपना दो चार link इसमें put कर दूंगा जिसमें से आप मेरा दूसरा टॉपिक्स जो है उसमें देख सकते हैं, या फिर कोई और जगह के लिंक भी हो सकता है मैं डाल दूँ, ठीक है। तो मेरा भी वीडियो रह सकता है उसमें या फिर किसी और का भी हो, तो एक दो लिंक आप देख लोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस चीज़ की एकदम डेप्थ इन डेप्थ वर्शन करा जाए। तो उसके लिए हम आगे निकलते हैं। ये हमारा टॉपिक है प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन। तो लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज ये है कि लैंग्वेज जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड लिंग्वी से आया है, जिसका मतलब है कम्युनिकेटिंग थ्रू द टंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे टंग जो है हमारे टंग के जरिए से, जो आर्टिकुलेशन के जरिए से हम आवाज़ें निकालते हैं, उस आवाज़ों के जरिए से जो कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हम जब अंदर जाएंगे तो आएगा, जो कि वो कोई और चीज़ सिवाय ह्यूमन बीइंग और कोई चीज़ कर नहीं सकता। सो दिस इज लैंग्वेज, राइट। सो इट्स अ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इसका मतलब डेवलपमेंट किया है, आविष्कार किया है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज रिगार्डिंग कई सारे चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेगा एक एट ए ग्लांस कम से कम। Before entering into the main topics, we have some quotations from various great linguists. You can find here. Language is the light of mind, said John Stuart Mill. Language is the wine upon lips, says Virginia Woolf. Definitions of language. The Oxford English Dictionary defines language as the whole body of words and methods of combination of words used by a nation, people or race, a tongue which implies that a language can exist in spoken as well as written forms. In the Encyclopedia Britannica, volume 13, language is defined as a system of conventional spoken or written symbols by means of which human beings as a member of social group and participants in its culture communicate. सेवन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हमारा पहला शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज से। इसमें यह है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो हम कमांड करते हैं, जो बातें हम एक्सप्रेस करते हैं, जो ये फंक्शंस होता है लैंग्वेज का, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। उसमें हमारी ज़रूरतों का मतलब क्या है, हमारे नीड का मतलब क्या है, हमारे नीड में अब हम क्योंकि हम रेगुलेटर में जब जाएंगे तो उसमें भी एक तरह का नीड ही पूरा करते हैं, लेकिन इस नीड पे और उसमें जो थोड़ा सा अंतर है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंटल में जो हम नीड्स जिस टाइप की नीड्स को पूरा करते हैं वो ऐसे है कि इसके बिना हमारा गुजारा हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल हमने खाना खाना है, हमने पानी पीनी है, ठीक है, फिर जैसे हमें आराम की जरूरत है, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें सुकून चाहिए, तो ये एक नीड पूरा करने के लिए हम हमारा कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली हमारा एकदम कॉन्क्रीट नाउन टाइप की होती है, ठीक है, जो काम होता है, जो हम डिमांड करते हैं, जो हमारा नीड पूरा करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन की तरह होता है। तो यही है रेगुलेटरी और इंस्ट्रूमेंटल की फर्क में। तो हम जब रेगुलेटरी में जाएंगे उसमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे रेगुलेटरी को समझने के लिए, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंटल को समझने के लिए इतना इतना बताया मैंने कि ये हमारी जो जैसे खाना पीना रहना सहना ये सब चीज़ जो है वही नीड है, जो जिसके बिना हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, हम बच भी नहीं सकते जिसको कहते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं रेगुलेटरी में, उसमें ये है कि इसमें भी हमारी ज़रूरतें पूरा करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर मैंने बताया था कि जब रेगुलेटरी में जो हमारा नीड पूरा होना होता है वो उसकी हमारी नीड पूरा करते हुए
हम दूसरे की मदद लेते हैं तो उसमें उनकी जो बिहेवियर्स है उन पे थोड़ा सा चेंज आता है। जो डेफिनेशन दिया हो रहा है कि मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हम जब किसी और को कहते हैं कि भाई ये करो वो करो तो वो क्या करता है, वो अगर सो रहा होता है तो उठ के जाता होता है, अगर कोई कोई बातें किसी से बात कर रहा है तो हम बुलाते हैं कि इधर आओ तो वो इधर आता होता है, तो उसके जो बिहेवियर्स होता है वो चेंज होता है, वो हमारे पास आता है इस टाइप की जो है। लेकिन इसके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं है, इसको नहीं ये नहीं करेंगे तो वो कर लेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, आप नहीं करोगे तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये चीज होती है रेगुलेटरी और इंस्ट्रूमेंटल की जो नीड पूरा करने की बात जो होती है उसमें जो अंतर है, ठीक है। तो ये भी होता है कि जैसे कि हम किसी को परसुएट करते हैं, किसी को मनाते हैं हमारे कुछ मदद करने के लिए, या फिर कन्विंस करना जिसे कहते हैं, ठीक है, थीके? तो इस टाइप की चीज जो है वो हमारे रेगुलेटरी में आता है, लेकिन ये सब इंस्ट्रूमेंटल में नहीं आता है। इंस्ट्रूमेंटल में जो अपना होता है वो हम निकालते हैं, किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन हाँ, जरूरत पूरा करने के लिए हो सकता है कोई और आ जाए, उसका बिहेवियर में चेंज आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मेरा मोटो जो होगा, मेरे फंक्शन, मेरे लैंग्वेज की फंक्शंस जो होगा वो उसको चेंज कराने का मतलब नहीं होगा। हमें खाना खाना ही है, हमें पानी पीनी है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो वो ये सब चीज हो गया। इसके बाद हमारा आ रहा है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो लैंग्वेज फंक्शन होती है उसमें ये होता है कि हम किसी दूसरे के साथ जो हमारा रिश्ता बना रहे होते हैं, उसके रिश्ता जुड़ रहे होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, हम एक दूसरे को सहूलियत के लिए जो काम करती है जो लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो ये सब जो हो गया वो इंटरनेशनल हो गया। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है अक्सर कि आई लव माई मम्मी, आई लव दैट पर्सन, आई लव दिस पर्सन, यू आर गुड, वेरी गुड, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस फंक्शंस आर लाइक इंटरनेशनल फंक्शंस, ओके। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो होता है उसको हम ट्रांजेक्शनल भी कह सकते हैं। ट्रांजेक्ट का मतलब अदल बदल करना, ठीक है, हम कुछ बताते हैं उसके बदले में हमें कुछ और मिलना होता है, मतलब रिलेशनशिप टाइप का, बॉन्डिंग टाइप का जो मिलना होता है, तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। पर्सनल फंक्शंस में ये होता है कि हम अपनी ओपिनियंस बताते हैं, अपने एटीट्यूड को जाहिर करते हैं, या फिर ओपिनियन हो गया, एटीट्यूड हो गया, या फिर हमारा जो फीलिंग्स होता है, ठीक है, उसको हम जाहिर करते हैं, तो ये चीज़ जो होता है ये पर्सनल होता है। उसमें हमारा फ़ायदा क्या है, इसमें ये अंतर भी एक चीज़ मतलब खासियत क्या है, जैसे कि हमने हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि वो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं, बड़े बड़े पोइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग जो होते हैं अपने आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज होता है ये होता है आपका पर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तो ये बहुत ही खास हो जाती है, खास होकर रह जाता है बहुत से लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल फंक्शन, वैसे तो इंफॉर्मेशन आप समझ ही जो इंफॉर्मेटिव करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, किसी चीज़ की खबर हम लेते हैं किसी से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, किसी चीज़ को हम शेयर करते हैं हाँ ये सही है, तो ये इस टाइप की जो फंक्शंस हो रहा है लैंग्वेज का, इसको हम सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जो अखबार में खबरें आती है या फिर हमारे न्यूज़ चैनल में जो खबरें आती है उसको हम सिर्फ नहीं समझ सकते, इसका मतलब नहीं है, इसको लगता है कि ये छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन ये छोटा नहीं है, एक्चुअली हमारा इंफॉर्मेशन जो है उसी इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमारा साइंस जो डेवलप है, उसी इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमारा जो एजुकेशनल थॉट्स एंड थियोरीज एंड ऑल दीज थिंग्स कोर्सेज आर डेवलप, बिकॉज ये सब तो इन्फॉर्मेशन ही है हमारे यहाँ, साइंस की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम चांद पे पहुँच कैसे पहुँचे, तो वो चांद में पहुँचने के लिए ऐसे लाखों करोड़ों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को हम किस तरह से हम क्यों चांद नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का वो सारे इन्फॉर्मेशन ना तो किसी ने पुट कर पाया है ना हमने उसको ले पाया है, तो ठीक है, ये चीज़ जो है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन में आती है, ये बड़ा पहलू है, बड़ा एस्पेक्ट है, ये छोटा सा लग रहा है लेकिन ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, मतलब हमने एक ये बताया चांद पे पहुंचना, ऐसे हम कितने सारे चीज़ ले सकते हैं आप अंदाजा लगा ही सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और इन्फॉर्मेशनल फंक्शन ही रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन है, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस चीज़ को के, जैसे कि किसी तत्व तो है, किसी फैक्ट्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बुक से लेके या फिर किसी बंदे से सुन के, या फिर जो हमारे नेचर्स में है उसको हम जांच के, उस पर हम रिसर्च करके हमने जो हासिल किया है उसको हम बता रहे हैं, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे में लाएगा, वो अपने हिसाब से उसको यूज़ करेगा, जो फ़ायदा वो ले सकता है लेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशनल भी और रिप्रेजेंटेशनल भी, एक ही साथ आ जा रहा है। तो इसके बाद हमारा आ रहा है इमेजिनेटिव
फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इमेजिनेटिव फंक्शंस मतलब ह्यूरिस्टिक को हम लास्ट में रखते हैं, इमेजिनेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जो है वो हम जो हमारे जो क्रिएटिविटीज होती है, हम जो जोक्स लिखते हैं, हम जो पोएटिक आर्ट्स होती है ठीक है, या फिर हम नॉवेल्स जो बनाते हैं, या फिर हम बातों बातों में जो बातें कर मतलब बातों में जो रस डालते हैं, रंग क्वालिटेटिव बनाना जिसको कहते हैं वो हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा इमेजिन्स और हमारी अपनी पर्सनल भी वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो पर्सनल और इमेजिनेटिव में ये है कि पर्सनल जो अपना एक डिक्शनरी होती है ठीक है, मन ये कहते हैं ना भाई ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है, ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो ये हमारा एक मतलब एक दायरा हो गया। लेकिन इमेजिनेशंस में वो दायरा भी हम हो सकता है पार कर जाए, हो सकता है कि उसमें पार करेंगे, तो इमेजिनेशन के थ्रू सोचते सोचते हम जो तैयार करते हैं, कुछ नया तैयार करते हैं, जो ये कि इमेजिनेटिव और पर्सनल में ये होता है कि हम जब इमेजिनेटिव फंक्शंस यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पर्सनल जो फंक्शंस होता है उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा दायरा ये है कि हमारे पास 10,000 के वर्ड्स है ठीक है, तो हम जब इमेजिनेटिव फंक्शंस को यूज करने जाते हैं, वो हर कहीं नहीं करवाता लेकिन ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि 10,001, 10,002 या 10,200 ऐसे होकर बढ़ता जाता है। तो ये हो रहा है जब बढ़ता हुआ जाता है, जब बढ़ते हुए जाते हैं जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा क्या होता है इमेजिनेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के जरिए से ही आता है, वो एक और उसी को हम इमेजिनेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में हम ये कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि एनवायरमेंट, ये एक अप्रोच टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल इश्यूज, हम जो हमारे जो आसपास के सारे चीजें जो है लेके जो हम चलते हैं उसको हम इमेजिनेटिव अप्रोच कहते हैं, इमेजिनेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। उसमें हमारा सारा चीज आ जाएगा, पहाड़ पानी पेड़ जो चीजें हैं सब चीज हमारे मस्तिष्क में ये हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब फंक्शंस होता है। जब हम कोई प्रॉब्लम फंस जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे आसपास के सारे चीजों के साथ हम अपना इमेजिनेशन को जोड़ते हैं, अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उससे फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो ये हमारा ह्यूरिस्टिक अप्रोच हो गया। उसमें हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हो गए लैंग्वेज के ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें हम एक जगह से मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में डेवलप करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो ये हो रहा है हमारा ह्यूरिस्टिक अप्रोच और ह्यूरिस्टिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें एक चीज और एक मतलब कुछ स्टेप्स भी दिया जाता है, जैसे कि हम पहला स्टेप्स होता है हमारा किसी चीज़ को करते हुए आपको डिफिकल्टीज हो रही है तो ठीक क्या करना है, हमें एक उस चीज़ का एक इमेज मतलब एक छवि एक पिक्चर तैयार करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है ठीक है। तो उसके पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद हम उसमें प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर उसको उस प्रॉब्लम को उसके सोल्यूशन निकालेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं मिला तब जाके हम अगले स्टेप्स में जाएंगे, जैसे कि हमारा अगला स्टेप्स है। इसके बाद इसमें जो अगर प्रॉब्लम जो है वो अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, एकदम मतलब कॉन्क्रीट एक आइडिया लेना चाहेंगे उस प्रॉब्लम का, फिर उस लास्ट में क्या होगा उसमें जो प्रॉब्लम जो हमारा है उसका अगर हम सोल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे तो उसी टाइप के दूसरे चीज़ को हम लेंगे और लेके उसके जो है मतलब उसमें सबसे आसान प्रॉब्लम जो लगेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे मैथ्स में आ रहा है, जैसे प्लस माइनस और एडिशन डिडक्शन सब में हम उतना सही नहीं हो पा रहे, जैसे कि हमारा पहले क्या होता है कि जब हम सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे तो उसी मेथड्स के उसी फॉर्मूले के जो इजी मैथ्स इजी पार्ट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है। उसके बाद हम जो होता है अगले वाले में थोड़ा सा मुश्किल वाले में धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हम जानते हैं सब चीज, तो इसी ये भी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच को मतलब सॉल्व करने का ह्यूरिस्टिक फंक्शंस जो होता है Instrumental. Language is used as means of satisfying wants or needs. Example, may I take your pen? Regulatory. Language is used for controlling others' behavior. Example, teacher asks the student, sit quiet. Interactional. Language is used for establishing and maintaining interpersonal relationship. Example, wishing a friend a happy birthday. Personal. Language is used to express
feeling, opinion and individual identity. Example, I'm feeling very depressed today. Heuristic, language is used to learn about and describe the world. Example, is there life in moon? Imaginative, language is used to describe our own world. It is used to tell stories and jokes and to create an imaginary environment. Example, writing a poem, story. Representational or informational, language is used as a means of expressing prepositions or as a means of conveying facts and information. Example, how does a seed grow? नेचर ऑफ लैंग्वेज ये बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें एक लाइट डालनी पड़ेगी. और लैंग्वेज हमें लैंग्वेज फॉर्म्स में एक लाइट डालनी पड़ेगी. फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज तो हमारे पास है ही. तो ये हो गया हमारा. तो क्या है नेचर ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज नेचर ऑफ लैंग्वेज? ठीक है, व्हाट इज वी शुड नो समथिंग दैट व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज. सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लैंग्वेज इज लैंग्वेज इज ए मेंटल फैकल्टी. ठीक है, जो हमने पहले बताया क्या है, ये मैनमेड है, ये हम तैयार करते हैं, ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से अपने हिसाब से हम बनाते हैं. ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है. ठीक है, और क्या है लैंग्वेज इज सिम्बोलिक सिस्टम. लैंग्वेज क्या है? एक सिम्बोलिक सिस्टम है, सिग्नल नहीं है. सिग्नल जो है जानवर भी कर सकता है, लेकिन सिम्बॉल जो है वो जानवर सिवाय ह्यूमन बींग नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसमें हम क्या कहा जाएंगे, लैंग्वेज इज, जब हम फंक्शन नेचर ऑफ लैंग्वेज में जाएंगे तो क्या है, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि एक एग्जांपल दिया जाता है कई जगह के, जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसको देखने के बाद तुरंत ही हमारे मन में एक नाम आ जाता है. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हो उसका एक नाम आ जाता है. ठीक है, लेकिन क्या ये नाम इसी चीज के लिए खास है? आप क्या कहोगे? हो सकता है आप कहोगे खास है, हो सकता है आप कहोगे नहीं खास नहीं है. आपके मन की बात जो मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक मुश्किल काम होती है इंसान को गेस करना. और खास करके मेरे सामने मेरे क्लासरूम में बहुत सारे औरतें हैं तो इसको मुश्किल ही होता है. ठीक है, तो ही हम गेस कर रहे हैं कि आप कहो खत्म. कोई कुछ कह सकता है, कोई कह सकता है खास है, कोई कह सकता है नहीं खास नहीं है. लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि खास नहीं है. खास इसलिए नहीं है, जब हम लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज पे जाएंगे या दूसरे जगह पे जाएंगे या दूसरे टाइम पे जाएंगे, हो सकता है इस चीज का नाम जो है वो बदल जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो सकता है. मॉडिफाई तो हो ही जाता है, वो तो आपके सामने भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हैं अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो. ठीक है, तो ये हो जाती है एक दिक्कत. लेकिन क्या ये जो चीज आपने देखा है, क्या ये जो चीज आपने देखा है वो चीज कभी बदल सकता है? अगर बदल भी जाएगा तो वो दूसरा चीज होगा, ये नहीं होगा. मान लीजिए आपने एक गाड़ी देखा, उसमें चार पहिए है, उसमें एक ड्राइवर रहता है, उसमें सीट्स रहती है. ठीक है, तो ये तो बहुत सारे है, इसमें से एक का नाम है, कोई सा भी कंपनी ले लो, ऑडी ले लो, ठीक है, बीएमडब्ल्यू ले लो. ठीक है, तो अब जब दूसरे में जाएंगे तो वो गाड़ी ही रहेगा, हो सकता है नाम बदल के कुछ और लैम्बोर्गिनी हो गया. लेकिन अब जब लैम्बोर्गिनी देखोगे, चाहे ये चीज कहीं रहे या ना रहे, कुछ सौ साल बाद हजार साल बाद इस लैम्बोर्गिनी का इमेज है. हम जो बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमेज की. देखने का मतलब हम बात कर रहे हैं इमेज की. अब इस इमेज को हम जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, वही लैम्बोर्गिनी ही हम कहेंगे. मॉडल हम उतना पता भी नहीं है, चलो जो भी मॉडल हम देखेंगे तो वही मॉडल वही नाम इसका रहेगा. लेकिन जब हम कोई और चीज में जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैं नाम बदल जाएगा का मतलब क्या कह रहा हूँ, कोई और लैंग्वेज में जाएंगे तो ये गाड़ी की नाम जो है गाड़ी नहीं रह सकता. हो सकता है इंग्लिश में जाए तो, हो सकता है क्या, इंग्लिश में जाएंगे तो कार हो जाएगा, व्हीकल हो जाएगा. ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे जिसमें इसका नाम अलग आएगा. ठीक है, तो वाहन है. तो ऐसे मान लीजिए आप एक फर्नीचर का ले लिया, चेयर है. ठीक है, तो चेयर को जब इमेज हम देखेंगे, जब इमेज उसका हमारी आंखों पे रोशनी रोशनी में आके
टकराएगा, जैसे कि कुर्सी है, कुर्सी कहते हैं हम उसको, तो नाम बदल सकता है टाइम के साथ साथ, जगह के साथ साथ, ये बदलना कोई मुश्किल मतलब बड़ी बात नहीं है। तो ये जब बदल जाता है, यानी कि ये कोई चीज़ों के साथ ये फिक्स नहीं है, ये लैंग्वेज जो है ये बदलता रहता है, यही कहने का मतलब है, आर्बिट्री कहने का मतलब यही है। तो हो सकता है, आई होप कि मैंने आपको समझा पाया कि व्हाट इज आर्बिट्री, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, उतना होना नहीं चाहिए था। तो इसमें एक चीज़ होती है कि आर्बिट्री जब हम कहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो है क्या करते हैं, हम जब किसी चीज़ के साथ एक नाम जोड़ लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो जोड़ने का नाम है सिग्निफायर, हम उसके साथ सिग्निफाई कर देते हैं कि ये है, ठीक है, और वो है। तो ये और वो जो है वो नाम हम सिग्निफाई करते हैं। अब नाम जब जुड़ जाता है उसके साथ, जैसे कि हमारे लैंग्वेज में क्या हो रहा है, हिंदी की लैंग्वेज में हम अगर कहेंगे तो ये कुर्सी हो रहा है, ये सिग्निफाइड हो गया। अब हम जब इंग्लिश में जाएंगे तो ये चेयर हो रहा है, वो चेयर जो है वो सिग्निफाइड हो गया इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो ये है सिग्निफाइड और सिग्निफाइड, नेचर ऑफ लैंग्वेज को हम जब पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, लैंग्वेज इज टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक कम्युनिकेशन जो कॉमन है, हम एक ही बात में जितना समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है, टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे, जो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज करता है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है उसको हम समझा रहे हैं, कम्युनिकेटिव मतलब या कम्युनिकेटिव हम नहीं समझेंगे तो ये भी, इसके लिए भी हमें लिंक टाल देंगे आपके पास, उसमें एक डिटेल क्लासेस हमारा टेक किया हुआ है। सो डायनामिक, इसके बाद क्या कहेंगे हम, लैंग्वेज इज डायनामिक, डायनामिक का क्या मतलब हो रहा है, वही बात जो हमने जैसे पहले में बता दिया कि ये टाइम और स्पेस के साथ साथ बदल सकता है। ये तो हम और भी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, हम जो कहते हैं ना, इन अदर वर्ड्स क्या समझ सकते हैं कि लैंग्वेज हमारा ये जो डायलेक्ट बनता है ना, हम कहते हैं कि हम जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हर 5 किलोमीटर के दूरी पे लैंग्वेज एक अलग सी डायलेक्ट फॉर्म कर लेती है, ठीक है, मात्र 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी जाके एक लैंग्वेज क्या करते हैं, अलग से डायलेक्ट फॉर्म कर लेती है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा सोचेंगे, अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलेगा। सो वी कैन, व्हेन वी विल थिंक अबाउट इट, व्हेन वी हैव लैंग्वेज इन आवर माइंड, व्हाट इज लैंग्वेज, हाउ इट्स डिफाइंड, व्हाई इट इज सच मैटर ऑफ डिस्कशन, देन वी विल बी एबल टू डिस्कवर दैट देयर आर dissimilarities in just space of 1 kilometer away from my place. So this is called dialect. So this is dynamic. This is the change and this is the dynamic. Another of it that language is creative and infinite. Language is creative. Creative क्या कहते हैं? Creative language होता है ना, जैसे कि creative writing, ऐसे writing में जब हम जाएंगे, story writing में जब जाएंगे तो creative writing होती है। क्रिएटिव मतलब सोच समझ के अपने हिसाब से बनाना क्रिएटिव एंड इनफाइनिट। इनफाइनिट तो हम समझे, ये हमारे लिए बहुत पसंदीदा है। हम जब फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे दिल ये कहता है कि हम ये कहें, हो सकता है थ्योरी ये हमें परमिशन ना दे रही हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कहें कि देर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस इन लैंग्वेज, एन नंबर्स ऑफ फंक्शंस इन लैंग्वेज, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब हम किसी को कुछ बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है उसमें, ये होता है कि अब जब 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 जो भी सिचुएशन हमारे सामने आते हैं उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो जब जब जिस जिस जगह पे जैसे जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ क्या है, एक एक फंक्शंस हो रहा है मेरे हिसाब से। ये कोई थ्योरी नहीं है, हमारा दिल कहता है ये। तो इसीलिए हम जो इसको लिमिट लेस को लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हालांकि यही है और ये हम तो हल्का सा हम ट्राई भी करेंगे कि हमारे जो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की जो थियोरीज हो, ये चीज़ इस बात को थोड़ा सा मतलब बढ़ावा दे रही है, हमारी इस बात को थोड़ा सा सपोर्ट करें। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड एलिमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज फंक्शन में अगर आपको एकदम डाउट क्लियर कर लेना है तो इस वीडियो को पहले अच्छे से सुनिए, फिर इसको समझिए, फिर इसको क्या करिए, कॉम्प्रिहेंड करिए। मतलब पहले डू योर बेस्ट, बी ए बेस्ट लिसनर, एंड देन एंड हाउ बी ए बेस्ट लिसनर, यू हैव टू गो टू द कम्युनिकेशन, गो टू द क्लास ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच आई वाज अर्लियर अप टू डेट, एंड द लिंक इज गिवन
सो देन अंडरस्टैंड इट एंड देन कम्प्रीहेंड दिस. दिस वे यू विल बी एबल टू कवर ऑल दिस माइन्यूट ऑल दिस थिंग्स इन अ माइन्यूट वे दैट देर इज नो चांस दैट यू विल लूज इट. वी लव आवर कंट्री सो मच एंड सो वी लव हिंदी ऑल्सो as well as we have in Assamese, so Assamese is also required and Assamese also important, so we speak Assamese as well, so Assamese Bengali, whatever, so the common platform is, but I'm sorry that I can't speak in Garo and Hasi and Jayanti, so I take the middle part of speaking in Hindi. So that is now we'll discuss about the what I was talking about, that the books available in the market. I take various books and take the excerpt from the take two or three books, compare, read and compare, read it elaborately and compare, then it will be a good thing, because one book is not enough for everything. So, but for you I am trying my best to take from all these books. So what the book GBD, what they have written, they have written that have I taken some notes, I don't mind. They have written it quite elaborately. First of all, they discussed it in a micro and macro category, covering all these things. Physiological functions. The first micro function is physiological function. Okay, physiological function, that is, what is actually? The function which actually help us to release our pain, our energy, our emotions. Maybe it's not that we are communicating with anybody else, but actually communicating with our soul or with ourselves, like the shouting of a person after getting success or after getting failed. This shouting, he is not shouting at anybody, but he is losing his energy, he is losing his emotions, he is trying to control himself or herself. So second is pathic function. Pathic function is actually what? ये सिर्फ यही है कि हम बात को बढ़ाना चाहते हैं, बस बातें करनी है. जैसे कि औरतें होती हैं ना, हम कहते हैं दो दो औरत मिल जाए तो उनमें से रिश्ता बन ही जाता है, मतलब वो रिश्ते ढूंढ ही लेते हैं. तो कैसे होता है, मतलब बात बात करनी है. दिस इज पैथिक. एग्जाम्पल क्या लेते हैं, और कैसे है भाई, खैरियत, बढ़िया चल रहा है. तो ये सब चीजें है, उसका कोई खास पर्पस नहीं है, बस पर्पस ही यही है कि हम बात करें. उसमें हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो, कोई एक्सप्रेशन हो या ना हो, कोई ऑर्डर्स या ऐसा कुछ हो या ना हो. इंफॉर्मेशन तो जरूरी, इंफॉर्मेशन या एक्सप्रेशन कोई जरूरी है ही नहीं, बस बात करनी है. तो ये है पैथिक, या फिर कंटिन्यू करनी बातों को. तो ये है पैथिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट जो रिकॉर्ड, ये एक चीज़ है कि रिकॉर्ड करनी है. लैंग्वेज ना होता तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास रिकॉर्ड होता नहीं, उसका कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता. जैसे कि हम अगर 6000 साल पुराने की बात करें तो क्या रहते हैं, उसमें अब कुछ सिम्बल्स मिले हुए हैं, उनमें से हम जो एनालाइज करना है कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं था. तो ये एक रिकॉर्डिंग है. तीसरी जो टॉपिक हुआ है आपका, चौथी में लिखे है क्या, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी ये बड़ी बड़ी अच्छी तरह से दिए हुए है कि ये एक मज़ेदार लग रहा है मेरे को कि आइडेंटिटी बनाती है लैंग्वेज. ठीक है, जो लैंग्वेज है उसी की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, एक आइडेंटिटी हम बना पाते हैं, अपना एक नाम बना पाते हैं थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज. सो इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे डायरेक्टली हम देखा जाए तो किसी चीज़ का या किसी बंदे का, बंदी का जो आप नाम रखते हो, ये नाम भी तो एक आइडेंटिफिकेशन है. अगर लैंग्वेज नहीं होता तो कोई नाम हम थोड़ी ना रख पाते नहीं. तो ये भी एक चीज़ है जो हमारे पास आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे आइडेंटिटी की फंक्शन हम उसको दे रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को नाम के जरिए से. ठीक है, हम चीज़ों का भी नाम दे रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, अगर सिर्फ हम अपना नाम नहीं रख रहे हैं, मेरे भाई बहन बच्चे बच्चे को नाम नहीं रख रहे, बस चीज़ों के भी नाम रख रहे, जिससे हम क्या कर रहे हैं, वो अगर चीज़ हमारे पास हो. देखिए, हमने एक चीज़ बताया था शायद, वो भी शायद हमारे कम्युनिकेशन क्लास ऑफ कम्युनिकेशन में था शायद, कि हमने बताया था
उसमें बताया था कि हम जो सोचते हैं वो एक लैंग्वेज में तो सोचते हैं। हमने आपको सजेस्ट किया था, आप जो हमारे सामने बैठे हुए हैं शायद सब नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे, जो हमने उनको बताया था, क्या बताया था कि आप जो सोचते हो अब उसी सोच की लैंग्वेज जो है उसको कोई ना कोई लैंग्वेज में सोचते हो, और कोई नहीं बल्कि मदर टंग में ही सोचते हैं। ठीक है, तो उस मदर टंग को अब उस लैंग्वेज को बना लो, L2 जो हमारा है, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, पर्टिकुलरली इन इंडिया वी हैव L2 इज इंग्लिश। सो उस लैंग्वेज को हमारे सोचने की लैंग्वेज बना लो। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई आपको क्या करेगा रुकेगा ठुकेगा नहीं, कोई पता नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो उसमें हमारा लैंग्वेज डेवलप होगा, वो चीज़ अलग बात है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात थी। तो हम सोचते हैं किसी लैंग्वेज में, तो ये एक चीज़ है कि हम कोई लैंग्वेज के बगैर सोच नहीं सकते। अब जब सोच ही नहीं सकते तो रीजनिंग क्या करेंगे, कोई रीजनिंग बना ही नहीं पाएगा, मतलब विदाउट लैंग्वेज सोच होता ही नहीं, और सोच के बिना हमारे पास कोई ये जो रीजनिंग बनता ही नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लैंग्वेज के द्वारा हमारे रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं, रीजनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, रीजन डाल सकते हैं किसी चीज़ में। लास्ट में उन्होंने लिखा है नंबर 6 पे के वर्ण कम्युनिकेशन। अब तो ये फिर हम बताएंगे नहीं उसमें क्या बताना है, इसमें कम्युनिकेशन में जो जो चीज़ आती है सब आती है, सब सब। फिर उन्होंने लिखा क्या है, मैक्रो फंक्शंस में उन्होंने GBD में एक चीज लिखी हुई है कि आइडिएशनल। ठीक है, आइडिएशनल जिसमें क्या कहा जा रहा है, आइडिएशनल का मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट गिविंग, एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, एक आइडिया। हमारे कहते हम कहते हैं ना क्या, कोई आइडिया है आपके पास, तो कोई आइडिया है आपके पास का मतलब क्या होना है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई कई कई नमूना कई स्पेसिमेन आपने तैयार किया है, तो इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। सॉरी, जब कोई नमूना, जब कोई आइडिया हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज़ को अंजाम नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमारे आइडिया का डेवलप होना ज़रूरी है। तो ये लैंग्वेज ही हेल्प करती है, जैसे कि हमने पहले कहा था कि सोचना, अब आइडिया जब बनाएंगे तो हमें अपने अपने सोचेंगे, दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आइडिएशन ये एक फंक्शन हो गया जो कि मैक्रो फंक्शन में आ रहा है। फिर दूसरा उन्होंने दिया इंटरपर्सनल, दे वुड नॉट हैव नो आया बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, दे आर द पोएट्स लाइक रविंद्रनाथ ठाकुर इन बंगाली, लाइक द लखीनाथ सॉरी भूपेन हजारिका, लाइक द जावेद अख्तार ऑफ प्रेजेंट लाइफ, एंड आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वाई एक्चुअली आई वॉज ए स्टूडेंट। सो ए पर्सन नेम डॉक्टर शकील, ही इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग हिज स्पीच, ही इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ स्पीच क्वालिटीज दैट ही कैन मेक ए नाइट ए डे टू यू एंड ए डे ए नाइट टू यू, दिस इज द क्वालिटी। एंड ए सेंटेंस, बात चाहे बेसलीके की हो, बात करने की सलीके चाहिए, तो उस दिन के बाद ये एक चीज़ मेरे मतलब एक नया पहलू मेरे में आया था कि इस चीज़ को ऐसे भी समझाया जा सकता है, मतलब आप बुरा बोलो लेकिन बुरा बोलने का भी एक मतलब सही तरीका होता है, यही कहना मतलब। तो बात अगर बेसलीके का ही हो, बात करने की सलीके चाहिए, ये मुझे अभी भी मतलब मैंने कहा ना आई कैन रिमेम्बर एवर होता है, और कम से कम बातों की जो जड़ी है इस चीज़ में तो मैं उतना माहिर हूँ भी नहीं, और अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तकते ही ऐसे लोगों से ऊपर नहीं जा सकता अगर मुझे कोई कमी और आ ही जाए तो, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ। तो बाकी चीज़ उनका मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बाकी कैसे है नहीं है अच्छे है बुरे चलो वो तो हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे थे। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। एक होता है पोएटिक और क्रिएटिव, जो हमारे हमने पहले भी ये कर चुके हैं, बस ये कहना था कि ये इन्होंने GBD में इस तरीके से इसको पोर्ट किया है, पोएटिक जो हम क्रिएट करते हैं
पर आते हैं। टेक्चुअल ये एक नॉर्मल है कम्युनिकेटिव टेक्चुअल एक फॉर्म कॉपी है ना, जैसे कि इंफोनोलॉजी सिंटेक्स सिमेंटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे लेक्सिकॉन। सो नाउ हेरिटेजी कॉन्सेप्ट दिए हुए थे तो उन्होंने क्या कहा, ये सात चीज यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। तो ये था GBT क्यों हमने कवर कर लिया। अब दूसरे में हम लेंगे क्या, पिनाकुल कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने क्या कैसे इस चीज़ को कवर किया है, नेचर ऑफ लैंग्वेज, पहले तो उन्होंने लिखा नेचर ऑफ लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी कम्युनिकेशन डायनामिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमने डिस्कस कर लिया है, लैंग्वेज फॉर्म्स। तो ये मैं पिनाकुल की जो अप्रोच है वो अप्रोच ठीक था, हमने पहले पहले जब बुक्स निकली थी तो मैंने उतना डेप डिप नहीं जा पाया था तो मैंने इसको तारीफ करी थी कि अब तक के बुक्स में बेटर है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई थी कि उसमें जो टाइपिंग मिस्टेक्स है बहुत इतना ज़्यादा हो गया कि एज ए लेमन एज ए स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाएगा उसको मिसलीड करने का, ठीक है। तो इतना जो टाइपिंग मिस्टेक्स एक्सेप्टेड नहीं है, बट हाँ देयर अप्रोच इज वेरी नाइस एंड इफ दिस बुक इज गोइंग अबाउट टाइम रिपब्लिकेशन टाइम again then maybe it will be resolved and I hope for the best future of these books because for our locality it's a good initiative by them. पिनाकुल ने अगले फंक्शंस में क्या लिया, उसमें फंक्शंस में जैसे कि फंक्शंस मेन फंक्शंस जनरली पांच ही होता है, ठीक है, लेकिन पिनाकुल के जो बुक है उसमें तीन ही लिया है। मतलब इस तीन को अगर आप इलाबोरेट करेंगे उसके डेप्थ में जाएंगे उसके अंदर की जो डेफिनेशंस है उसको अगर डेफिनेशंस है उसमें जो कैटेगराइजेशन मिलेगा आपको वो सब चीज़ अगर पढ़ेंगे तो ठीक है सब आ जाता है। इसमें थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ये मुझे इतना ये नहीं लगा फॉर दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड असम टेट एंड दे हैव गुड रेपुटेशन ऑफ पिनाकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट सो दे वुड हैव एड समथिंग मोर इन दिस। दे ओनली मेंशन थ्री मेन कैटेगरीज लाइक दिस, देयर हेडिंग इज थ्री मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज लाइक इन्फॉर्मेटिव एक्सप्रेसिव एंड परफॉर्मेटिव, ठीक है। तो हम जब जैसे कि हमने अगर हम पांच जो लेंगे पांच को जो एक्सप्रेस करेंगे पांच को जो हम डेफिनेशन देखेंगे उसके जो अंदर की बातों में हम जाएंगे या सात जो लेंगे उसके जो अंदर के बात में हम जाएंगे तो यहाँ के जो इन्फॉर्मेटिव एक्सप्रेसिव और परफॉर्मेटिव के अंदर में हम जाएंगे तो उसमें बातें जो है आपको मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। तो मिलता जुलता मिलने का मतलब ये है कि बात वही है, ठीक है, हम ऐसे पकड़े या सीधे से पकड़े, ठीक है, पकड़ना एक ही चीज़ है लेकिन हम पकड़ तो ले उसके अंदर जो चीज़ होगा उसको हमें पकड़ना होगा, इसके ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें मैंने क्या कहा था कि पकड़ना है, पकड़ना ही असल चीज़ है तो पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। पकड़ जब हम हमारे पकड़ में आ जाएंगे तो सब ठीक है, लेकिन हाँ उसको समझना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था कि इस वीडियो को आप अच्छे से पहले सुने फिर इसको समझे फिर इसको कंप्रिहेंड करें फिर इसकी माने मायने मतलब निकालने की कोशिश करें, ठीक है। सो अनदर बुक इज लेटर केम इन द मार्केट दैट इज चंद्र प्रकाश, दे हैव ट्राइड इन अनदर वे सो दे आर द लैगर्ड, दे केम इन द मार्केट एट द लास्ट, दे हैव डिस्कस्ड इट व्हाट इज लैंग्वेज where from it came and all these things in a beautiful way in limited words and their profiting was also good so there is not a big problem but main problem is that I have another book also of future publication like that what is also written that is not very clear so what can I problem the Chandra Prakash has also added the one thing that grammar and lexicon that is important thing they have added this that is that was missed probably in the other books so this is the thing that we have found in the present books available in our market so there is a comparison I have found that but I want to say that all these books are not this a single book is not sufficient so I'd suggest that we should take two or three at least two books and read one and compare them
और वी शुड टेक दिस दिस वे दैट वी आर यू आर नाउ वॉचिंग मी एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर फॉर यू ऑल्दो आई डोंट नो इट विल डिपेंड अपॉन योर व्यूज एंड views and comments that how you are finding it. So your comment is necessary for me to improve my quality in future for my benefit as well as for other students who need. एक और चीज़ क्या है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज की बात होती है, जनरली हमारे पास ये होता है कि पांच फंक्शंस होती है, ठीक है? तो पांच में से हमने क्या लिया, कवर तो एक हिसाब से कर लिया, लेकिन शायद थोड़ा सा एपर्सेंट हो गया हो, इसलिए हम एक के बाद एक सीरियल आ जाए। तो उसमें क्या है, इंफॉर्मेशनल फंक्शन जो पांच ले रहे हैं उनमें क्या है, इंफॉर्मेशनल फंक्शन हो गया, दूसरे में आ रहा है आपका एस्थेटिक फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन, एथिक फंक्शन एंड डिरेक्टिव फंक्शन, ठीक है? तो ये हमारा एक सीरियल हो गया जो हमारे स्क्रीन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप नोट भी कर सकते हैं करना चाहे तो। Any language is determined by a number of factors such as a social background, attitudes and origin of people. तो ये एक चीज़ होती है कि जो हमारा कहना ज़रूरी है कि लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ मिला नहीं सकते, अलग अलग चीज़ है, सब लैंग्वेज अलग अलग चीज़, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज की बात को, भावना को अब दूसरे लैंग्वेज में पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब उसको आप एक्सप्रेस कर देंगे, समझा देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन क्योंकि एक लैंग्वेज के जो वर्ड्स है, जो फीलिंग्स है, वो दूसरे में एकदम हो ही नहीं सकता, एकदम सिमिलर हो ही नहीं सकता, इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंस एक चीज़ है और सेम दूसरी चीज़ होती है ना। जैसे कि मैंने कार का एग्जाम्पल लिया था, कार तो कार कोई सा भी है, कोई सा भी ले लो आप, कार है, इक्विवेलेंट है, आपको जाना है जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, लेकिन कम्फर्ट या क्वालिटी या कोई से भी जो है पैरामीटर्स जो होता है उसमें सिमिलरिटी, मतलब एकदम सिमिलर नहीं कह सकते। वी आर कंक्लूडिंग अबाउट, सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल फंक्शन। तो इंफॉर्मेशनल फंक्शन में क्या है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन होते हैं हम सबको, मतलब दूसरे को देते हैं, जैसे मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब यही होता है कि हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो क्या करता है कोई डेली। सो नेक्स्ट फंक्शन इज द एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या है कि वी नीड सच फंक्शन एवरी टाइम वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। इसमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जज्बातों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज द एक्सप्रेसिव फंक्शंस। तीसरे में हम जाएंगे क्या, द डिरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज टू इंड्यूस सर्टेन एक्शंस और रिएक्शंस। द एग्जाम्पल ऑफ सच ए फंक्शन इज ए कमांड। Another example of this function is a request. So, directive function, what is directive function? In directive function में हम क्या करते हैं, किसी को कुछ करने के लिए कह दिया, किसी को किसी से कुछ लाने के लिए कह दिया, यही चीज़ है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लग गया डिरेक्टिव में, जब भी कभी हम किसी को कुछ लाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए कहते हैं, दीज आर द डिरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। सो नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो आई लव दिस थिंग वेरी मच एंड आई लाइक दिस फ्लावर, आई लाइक योर कार, आई लाइक योर होम एक्सेट्रा टाइप ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसके बाद हमारा आता है एस्थेटिक फंक्शन। तो एस्थेटिक फंक्शन ये होता है कि जो हमारे क्रिएटिव राइटिंग्स होते हैं उसमें जो हम फीलिंग्स डालते हैं, कुछ वर्ड्स डालते हैं, ब्यूटिफिकेशन डालते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेगरी करते हैं, मतलब उसको कैटेगरी किया जाता है थियोरेटिकली के वो एस्थेटिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि हमारे किसी की तारीफ में कोई वर्ड्स यूज कर लिए, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वेलस, तो ये क्या होता है एडजेक्टिव टाइप ऑफ वर्ड जो होता है ज़्यादातर उसमें यूज होती है, ठीक है, जिसको एस्थेटिक फंक्शन कहते हैं। लैंग्वेज फंक्शन दिस आर इस नंबर वन इंस्ट्रूमेंटल, नंबर टू रेगुलेटरी, थ्री इंटरेक्शनल, नंबर फोर पर्सनल, नंबर फाइव ह्यूरिस्टिक, नंबर सिक्स इमेजिनेटिव।